तो फ्रेंड्स ये वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बीसीसी कोर्स करना है, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और किस तरीके से आप बीसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सीएससी एकेडमिक, यहाँ पे कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा पे क्लिक करेंगे। ये है आपका गवर्नमेंट सीएससी एकेडमिक, आप यहाँ से बीसीसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। तो गाइज अगर आप वीएलई हैं तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा सही तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो गाइज यहाँ पे देखिए बीसीसी कोर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज करना है, क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, अगर आपने हाई स्कूल किया है या फिर ट्वेल्थ किया है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप बीसीसी कोर्स के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिनका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ये अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इनका ट्वेल्थ चूज करूंगा एंड यहाँ पे स्टेट इनका एंड यहाँ पे फुल एड्रेस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से डाटा हम फिल कर लेते हैं किसी भी स्टूडेंट का। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और इनका एक फोटो अपलोड करना है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे ये फोटो आपका 20 KB में होना चाहिए, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये फोटो अपलोड हो चुका है। ओके, देन यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल। देन इसके बाद फाइनली आपका पेमेंट हमारे सेंटर के थ्रू कंप्लीट किया जाता है एंड यहाँ पे आपको रिसीविंग मिल जाती है जो हम आपको दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, देन यहाँ पे बीसीसी कोर्स पाएंगे एंड व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट नजर आएंगे। ठीक है, तो जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ पे है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये इनको ब्लर कर दिया है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे यूजर आईडी के नीचे, यहाँ पे यूजर आईडी हो गई और मोबाइल नंबर पासवर्ड हो जाता है लॉग इन करने के लिए। हमने सेंटर के थ्रू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है सक्सेसफुल। देन यहाँ पे अब अपने सेंटर को हम लॉग आउट कर देते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी वेबसाइट है techkuswa.in, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और बीसीसी कोर्स करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हमें यहाँ से बीसीसी कोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीसीसी कोर्स और नीट की, जेई मेंस की भी हम तैयारी कराते हैं, तो आप हमारे थ्रू भी बीसीसी कोर्स के लिए एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं। सिंपली बीसीसी कोर्स के लिए आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्लिक हियर का यहाँ पे ऑप्शन है टॉप पे, आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यानी 999 रुपीज आपको पे करना है। आप जैसे ही पेमेंट डन करेंगे हमारे सेंटर की तरफ से आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगी, विद इन 10 मिनट में आपके पास कॉल आ जाएगी और आपसे आपका डिटेल ले लिया जाएगा, देन यहाँ से आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए अब हमें करना क्या होता है, आगे csacademic.org वाली वेबसाइट पे आना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन का ऑप्शन है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड जो यूजर आईडी पासवर्ड हमें मिला है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वही पासवर्ड होता है। ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट के बीसीसी कोर्स के डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे यूजर नेम है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, लॉन्च कोर्स है और यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है। जितना आप यहाँ पे लर्निंग करेंगे यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस नजर आएगा, आपने कितना लर्निंग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स लैंग्वेज, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में लर्निंग की जाएगी और हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी। फिलहाल मैं हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हिंदी पे क्लिक करते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए मैंने हिंदी चूज किया। अब हिंदी चूज करने के बाद यहाँ पे 8 मॉड्यूल्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल पे तो यहाँ पे टॉपिक्स नजर आ जाएंगे आपको, तो फर्स्ट टॉपिक पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल में समझाया गया है। नमस्ते चाची, आप कैसी हैं? यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हर चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है, बीसीसी कोर्स कैसे करना है और क्या क्या इसके फायदे हैं, कंप्यूटर के बारे में हर चीज यहाँ पे बताया गया है। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं और इंग्लिश में अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये यहाँ से कुछ इंट्रोडक्शन हो रहा है। चाची ये पैसे की कोई बर्बादी नहीं है, एक कंप्यूटर तो टीवी से बढ़कर होता है। आप टीवी पर फिल्में, सीरियल, खबरें और गाने देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से तो आप दूर दराज बैठे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। कि मैं इसको असेसमेंट क्लोज करता हूँ तो ये फर्स्ट टॉपिक है। अपने कोर्स में जाके हमने 2 मिनट पढ़ाई की है तो यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में 2 मिनट दिखा रहा है। जब हम स्टार्ट नाउ पे करते हैं क्लिक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश में चूज करेंगे, टॉपिक 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में सारा कुछ नजर आएगा। नमस्ते चाची, हाउ आर यू? नमस्ते बेटा, आई एम गुड। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम सिटी? जस्ट यस्टरडे।
ये 8 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि 2 है इसमें इतने टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ में कम है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कम है, अच्छा है ये, बेस्ट है ये, पढ़ना पड़ता है आपको और ऑनलाइन आके अपना एग्जाम दे देना है, ठीक है। एग्जाम देने के लिए भी हमने यहाँ पे एक स्टडी मटेरियल्स हमने बना रखा है जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। देन फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना होता है, असेसमेंट स्टार्ट नाउ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप फाइनल एग्जाम देंगे ताकि आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 8 असेसमेंट है, यहाँ पे क्लिक करना है, 25 मार्क्स होते हैं, 25 नंबर का एक असेसमेंट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस में अभी ये एग्जाम नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि हमने क्लिक किया फर्स्ट असेसमेंट पे, हिंदी चूज करेंगे तो आपके सामने किस तरीके से एग्जाम आएंगे, देखिए ये इस तरीके से एग्जाम्स आपके सामने शो करेगा और आपको ये देना है। प्रिंटर का उपयोग कॉपी करने, प्रिंट आउट लेने और दस्तावेज के स्कैन करने के लिए होता है, तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपना फाइनल असेसमेंट कम्प्लीट करेंगे। ओके, जिन स्टूडेंट का पूरा कम्प्लीट है कोर्स, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा PCC एग्जाम रिजल्ट असेसमेंट कम्प्लीटेड गेट सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये CSE अकेडमी के थ्रू आपको सर्टिफाइड किया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी वर्क के लिए वैलिडेट कर सकता है, ये जो आपके लिए प्रोफेशनल वर्क के लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपको असेसमेंट दिखा देते हैं, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इनका मार्क्स जो ऑब्टेन है इस तरीके से ये मार्क्स आते हैं, हालांकि पढ़ने तो काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इससे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके पास भी कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट एग्जाम अटेंड कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट 2 दिन में रिलीज कर सकते हैं। अगर आपके पास CSE अकेडमी नहीं है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। CSE अकेडमी में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, CSE अकेडमी कैसे लेते हैं, ये मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप घर बैठे BCC कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और फ्रेंड्स अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।